हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। स्टैंडर्ड है फोर्थ, सब्जेक्ट है हिंदी, इसमें पार्ट है छठा, मोची की वफादारी। तो स्टूडेंट, ये जो मोची की वफादारी पार्ट नंबर 6 है वो हमारा चालू था, और इस पार्ट के अंदर मैंने आपको ये जो पार्ट है ना मोची की वफादारी वो मैंने आपको पूरा समझा दिया है। उस पार्ट के अंदर क्या है वो सब कह दिया है, इस पार्ट से हमें क्या सीख मिलती है वो भी मैंने आपको बता दिया है। तो अब मैं आपको और इस हाँ इस पार्ट क्या सीख मिलती है स्टूडेंट, तो जो हमारी सहायता करते हैं हमें उनके प्रति कृतज्ञ होना चाहिए, इस पार्ट में से ये सीख मिलती है स्टूडेंट, आपको पता है ना। तो चलो इसके बाद है ना मैंने आपको ये जो पाठ का शब्द के अर्थ थे ना वो भी मैंने आपको करवा दिए, फिर उसके बाद है अभ्यास, ठीक है, शब्द के अर्थ मैंने आपको करवा दिए हैं, फिर उसके बाद था अभ्यास वो भी मैंने आपको करवा दिया था। अभ्यास का क्वेश्चन नंबर 1 है ना टिक द करेक्ट पॉइंट वो मैंने आपको करवा दिया है, ठीक है। फिर उसके बाद है ये निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दो, द आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, ठीक है। तो मैं आपको फिर से एक बार ये अभ्यास का क्वेश्चन नंबर 1 है ना टिक द करेक्ट पॉइंट वो करवा दूँ, तो आप लोग ध्यान से सुनना, और आपने अगर अपनी हिंदी की जो टेक्स्ट बुक में ऑप्शन क्वेश्चन है उसके आंसर अगर आपने नहीं लिखे हो तो आज फिर से लिख लेना, मैं आपको बताती हूँ इस बार भी इस वीडियो में, ठीक है। तो उसमें क्वेश्चन नंबर 1 है सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाओ, टिक द करेक्ट पॉइंट, ठीक है। तो उसमें फर्स्ट है क्वेश्चन 1 है मोची और उसकी पत्नी कहाँ रहते थे, ऑप्शन ए दुकान के पीछे, ऑप्शन बी दुकान के आगे, ऑप्शन सी दुकान के ऊपर। तो उसका सही आंसर क्या होगा स्टूडेंट, तो उसका सही आंसर होगा दुकान के पीछे, क्वेश्चन नंबर 2। अगले दिन मोची दुकान में क्या देखकर दंग रह गया, ए टूटे हुए जूते, बी तीन बोने, सी बने हुए जूते। तो उसका सही आंसर होगा बने हुए जूते को देखकर मोची दंग रह गया, क्वेश्चन नंबर 3। मोची की दुकान में जूते कौन बना जाया करता था, ए जादूगर, बी परिया, सी बोने। तो उसका सही आंसर होगा सी बोने। तो स्टूडेंट जब मैंने आपको ये पार्ट को पढ़ाया था ना उसी समय मैंने आपको सब बताया था कि बोनों का मतलब क्या होता है, आज मैं फिर से आपको बता देती हूँ, बोनों का मतलब होता है छोटे कद का आदमी या छोटे कद की औरत, ठीक है, उसे बोने कहते हैं, उसे क्या कहते हैं, बोने कहते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 4 है मोची ने बोनों के लिए क्या बनाया, ए कपड़े, बी जूते, सी चप्पल। क्या बनाया था स्टूडेंट, जब मैंने आपको ये पार्ट पढ़ाया था ना तब बताया था कि मोची और उसकी पत्नी ने बोनों के लिए कुछ ना कुछ बनाया था, तो मोची उसका सही आंसर आएगा जूते, मोची ने जूते बनाए थे और जो उसकी पत्नी थी ना उसने कपड़े बनाए थे, और ये जो दोनों बोने थे ना वो नए कपड़े और नए जूते देखकर एकदम खुश हो गए थे। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 1, और अब है क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित प्रश्न के उत्तर दो। तो उसमें क्वेश्चन नंबर 1 है मोची कैसे जूते बनाता था, तो उसका आंसर आएगा मोची अच्छे और मजबूत जूते बनाता था, क्वेश्चन नंबर 2। मोची एक जोड़ा जूते बनाने के लिए ही चमड़ा क्यों लाता था, तो उसका आंसर है स्टूडेंट देखो मेरे इधर जगह नहीं है ना इसके लिए मैंने शॉर्ट में लिखा है, लेकिन आपको लिखना है इसका आंसर कि मोची एक जोड़ जूते बनाने के लिए ही लिए ही चमड़ा क्यों लाता था। तो उसमें लिखने का कि मोची के पास पैसे बहुत कम थे इसके लिए वो जूते बनाने के लिए सिर्फ एक जोड़ी जूते का चमड़ा ही लाता था। फिर है क्वेश्चन नंबर 3, मोची और उसकी पत्नी कहाँ छिपकर बैठ गए, मोची और उसकी पत्नी कहाँ छिपकर बैठ गए, तो उसके आंसर है मोची और उसकी पत्नी खिड़की के पीछे छिपकर बैठ गए। अब है क्वेश्चन नंबर 4, मोची की पत्नी ने बोनों के लिए क्या बनाया, तो उसका आंसर है मोची की पत्नी ने बोनों के लिए कपड़े बनाए। तो स्टूडेंट ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4,
जो हो गया, अरे सॉरी, क्वेश्चन नंबर 2 जो मैंने आपको करवा दिया। एक बार फिर से मैं आपको बता देती हूँ, तो उसमें क्वेश्चन 1 है, मोची कैसे जूते बनाता था। तो उसका आंसर है, मोची अच्छे और मजबूत जूते बनाता था। फिर है क्वेश्चन नंबर 2, मोची एक जोड़ा जूते बनाने के लिए ही चमड़ा क्यों लाता था। तो उसका आंसर आएगा, मोची के पास पैसे बहुत कम थे इसलिए वो एक जोड़ी जूते बनाने के लिए ही चमड़ा लाता था। क्वेश्चन नंबर थ्री है, मोची और उसकी पत्नी कहाँ छिपकर बैठ गए। तो उसका आंसर आएगा, मोची और उसकी पत्नी खिड़की के पीछे छिपकर बैठ गए। फिर नंबर 4, मोची की पत्नी ने बोनों के लिए क्या बनाया। तो उसका आंसर आएगा, मोची की पत्नी ने बोनों के लिए कपड़े बनाए। तो स्टूडेंट, मैंने आपको ये अभ्यास का क्वेश्चन नंबर 2 करवा दिया है, ठीक है। तो आपको अब है ना, जो क्वेश्चन नंबर 3 है मैं बाद में कराऊंगी नेक्स्ट वीडियो में, तो अभी आपको इसे ध्यान से देखना है, फिर ध्यान से सुनना भी है। और आपकी हिंदी की बुक के अंदर है ना ये क्वेश्चन दिए हुए हैं जिनके आंसर मैंने आपको इस वीडियो में बता दिए हैं। तो आपको वीडियो को ध्यान से देखना है और फिर उसके अंदर ये आंसर को लिख लेना है, ठीक है स्टूडेंट। थैंक यू, कर लोगे ना स्टूडेंट, और आपको ये होमवर्क में भी करना है। थैंक यू।